जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के लोगों के द्वारा दी गई थी उस पर समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है। वे कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा सरकार से बात। जो घोषणाएं आपने हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ है, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे, टेंशन से जो पैसे गिरफ्तारी में भी FIR और पैसों की भी घोषणा शुरू हुई है। 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिले और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी खींचे इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा लीगली जो भी होगा अधिकारी आपके सामने ये घोषणा इसकी करेंगे। सर क्या क्या हुआ है फाइनल? सर्वप्रथम जो डिमांड की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के लोगों के द्वारा दी गई थी उस पर समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, जो कि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान छूटेगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? जो गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। अच्छा, कई सारे पहले शासन या जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में ही यह निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंत के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी यहाँ आने की। ये चीजें जो होती हैं कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। धन्यवाद।
सर मृतकों की कितने लोगों पे एफआईआर हुई है, कितने लोगों पे एफआईआर हुई है सर, कितने? आपको थोड़ी देर में जो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। क्या मंत्री उनके बेटी के एफआईआर हुई है? आप बताओ सर, मंत्री की प्रशासन वही रिपीट करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसमें हम सभी परेशान हैं, चिंतित हैं, और जो जैसे बताया गया कि दोषी है शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, और जो एफआईआर हुई है उस पर विधिक कार्रवाई करते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई पे ले जाएंगे। मुआवजा बता दिया गया है, 45 लाख रुपए जो मृतक है उनके आश्रित को मिलेगा। सर कितने मृत सगे परिजनों को मिलेगा? यहाँ पर कृषक हैं जिनके बारे में अभी संख्या 4 बताई गई है, चारों, चार या पांच? पांच में कभी पक्का नहीं, अभी 4 ही का है, अभी 4 ही का लोग ही हैं अगर किसान पक्ष के हैं। पांच अभी सर एक जर्नलिस्ट है उसके लिए उसके बारे में अभी बता रहे हैं, वो भी होगा उनके जो उनकी गाड़ियां जो अभी कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है, जो चीजें होंगी उसके बारे में जिला प्रशासन के द्वारा आपको प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। यही कहते हैं कि आपसे वो भी उनकी गाड़ी में आया, जो उनकी गाड़ी पलटी उसके अंदर आया, उनसे जो जो है उसमें वो सभी ने शांति बनाए रखा, आपका सहयोग रहा, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार है। लेकिन हम बताते हैं मुकदमा किस में लिखा, ये नहीं बताने के।